वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला तीजा कार पहला ते तुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लए हर जियो हरनाखस मार पचाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मन मुख परम पुलाया भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लए हर जियो हरनाखस मार पचाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मन मुख परम पुलाया हर जी एह तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई हर जी एह तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु दीन दुनिया दे वाले परम कृपालु खंडा ब्रह्मंडा दे मालक वालिगे कुल आलम दसा ही पातशाहियां दे आत्मक सरूप जाहरा जहूर हाजरा हजूर धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरना कमला पास सुभाए मान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी गुरु साहिब जी दी अपार कृपा रहमत दा सदका आपां गरीब नवाज सतगुरु दीन दुनिया दे वाली दे पावन मुबारक चरण गुरद्वारा मंजी साहिब विखे सुभाए मान हो करके इस दीवान हाल विच परस रहे हाँ। मेरे गरीब नवाज महाराज जी ने जो अज कृपा जो रहमत अज दे दिहाड़े साढ़े ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो दयालता करके जो पावन पवित्र हुक्मनामे साहब बख्शिश किए हैं उन्हां दी कथा विचार दा समा होया है। इस तों पहलां आप गुरमुख प्यारे रागी संगां दी पावन दसना पासों गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण कर रहे से जो अज दे दिहाड़े सतगुरु साहब जी ने पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश किए हैं। इस हुक्मनामे साहब जी की उथानका महापुरखां ने विद्वानां ने इस तरीके दे नाल पढ़ाई है कि अकबर बादशाह दे पास एक वजीर है जिहदा नाम है बीरबल जिस दी
चतराई दे किस्से सारे संसार विच मशहूर हन। उहदी किसी बात तो उहदे गुणा तो खुश हो करके अकबर बादशाह ने उस बीरबल दे ताई ये कहा कि जिन्नी भी ब्राह्मण बरादरी है, जिन्नी भी वो सारयां दे पासों तू एक एक रुपया पर बोधी ग्रहणा कर। जदों ऐसा हुक्म होया ए चाह दे विच वो एक एक रुपया सारयां दे पासों अग्रौंदा वो टैक्स लैंदा, श्री गोविंदवाल साहब जी की पावन धरती ते पहुंचिया है। इत्थे आण करके वसदियां सिख संगतां दे ताईं इन्हें कहा कि जिन्हें भी ब्राह्मण जाति दे जां क्षत्री जाति दे हन सारे ही पर बोधी एक एक रुपया लिया करके ते मेरी भेटा करो। सिखां ने बेनती की, कहन लगे तुसी वजीर हो, सियाणे हो, असी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरणा च रहिंदे हाँ, गुरु घर की कार सेवा करते हाँ, असी ते लंगर विच्चों प्रशादा छक के ते गुजारा करते हाँ। इत्थे सतगुरु साहब जी ने सारयां वास्ते ये लंगर चलाए हुए हन। नाल हुक्म है पहले पंगत पासे संगत, भी पहला पंगत विच्चों आण करके प्रशादा छक ते फिर पिछों संगत करके जीवन का उधार कर। इस करके जे तुहानू किसी चीज़ की इच्छा है तुसी लंगर विच्चों प्रशादा छक लो, पर तुहानू देण वास्ते साढ़े पास कुछ भी नहीं। इसने आख्या कहिंदा जे तुसी एवें ना करोगे मैं सरकारी दरबार का परवाना लिया करके ते ताडे ते हमलावर होवांगा। जिन्हों आप बड़ा सियाणा मानते हाँ वो बीरबल ये गल कहिंदा है कि मैं श्री गोविंदवाल साहब जी की पावन धरती ते हमलावर हो करके आवांगा। सिखां ने आण करके गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों च बेनती की, कृपालू सतगुरु साहेब बीरबल इस तरीके दे नाल टैक्स वसूलन वास्ते साढ़े पास पहुँचया है। असी उन्हूं बेनती की सी कि जे तू कुछ छकना है, कुछ लैना है तो गुरु के लंगर विच्चों प्रशादा छक के भाई गुरु के दर्शन कर, तेरा भला होवेगा। पर वो कहिंदा है कि मैं परवाना लिया करके गुरु दरबार ते हमला करांगा, आप जी कृपा करो। तां गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने उस समय बचन कीते, सारी ही संगत ताई मुखादब हो करके कृपालू सतगुरु धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सत प्रतगी सतगुरु साहेब जिन्हां दे राज विच जां जिन्हां दे समें विच कोई मनुख ते की पशु ते पंछी भी चढ़ाई नहीं कीता, जिस दिन तो सतगुरु साहब जी ने बचन कर दिते कि साढ़े हुंदियां श्री गोविंदवाल साहब विखे कोई भी चढ़ाई प्राणी जड़ा वह चढ़ाई नहीं करेगा। ऐसी बख्शिश करन वाले सतगुरु साहेब ताइयों ते भट्टां ने सतगुरु साहब जी की बाणी च कह दिता, गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर बपास बनायो, कि गोविंदपुरी सचखंड दे तुल जिहड़ा गोविंदवाल साहब पावन अस्थान है ब्यासा दे कंडे ते जलन भट्ट जी कहिंदे सतगुरु गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने वसाउणा कीता है। गरीब नवाज महाराज जी ने बचन कीते ने कि ये गल करके इहदी मौत हो जाएगी, गुरु घर तक नहीं पहुँच सकता। किथे ते परवाना लै करके चढ़ना सी गुरु घर ते, किथे इनू ये दो पड़ा सतगुरु साहब जी दे दर तों अजे पिछे सी, इनू परवाना आण करके मिलिया कि श्रीनगर दे विच बगावत वध गई है, तू उत्थे जा करके बगावत नू सांभ। श्रीनगर विच जाने ते उत्थे इहदी गह गचवीं लड़ाई हुई,
बहुते फट लगने करके उत्थे बर्फ दे विच पिया इहदी गल करके मौत हो गई। जदों मौत होई ये खबरां आखर श्री गोविंदवाल साहब जी की पावन धरती ते पहुंचियां हन। गरीब नवाज महाराज जी दे पास आण करके संगतां ने बेनती की, कृपालू जी आप जी दे बचन सच होए हन, बीरबल दी मौत हो गई है। सतगुरु साहब आप जी ने बड़ी बख्शिश की, जिहड़ा गुरु घर का हमलावर सी इत्थे पहुंचन तो पहला ही उहदा नास हो गया। तां उस समय कृपालू सतगुरु साहब जी ने यह पावन पवित्र उपदेश श्री गोविंदवाल साहब जी की पावन धरती ते जिथे वो संगतां नूं मुखातब हो करके उचारण किया उत्थे साडा भला करन वास्ते ये पावन पवित्र बख्शिश की है। आओ जो सतगुरु साहब साडे ते रहमत कर रहे हैं, मन चित बिरतियां नूं एकागर करके सतगुरु गुरु अमरदास साहब महाराज जी के चरणों का ध्यान धर करके उस पावन शब्द के नाल जुड़ना करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला तीजा, कार पहला ते तुकी। सोरठ राग दे अंदर तीसरे पातशाह धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब महाराज साढ़े ते बख्शिश करते हैं। पहले कर सुरताल दे विच इस शब्द नूं गाया जांदा है, जां इहदी मर्यादा सतगुरु साहब जी ने बंधी। ते तुकी तिन्ना तीन तीन तुकी भाव तीन तीन पंगतियां वालियां पौड़ियां इस शब्द विच हन। इत्थे सतगुरु साहब अष्टपदियां उचारण कर रहे सन। ये जिहड़ियां अष्टपदियां हन, पहलां इस तों पिछे गुरु नानक देव महाराज जी दीआं अष्टपदियां दी समाप्ति तों बाद ये पावन शब्द सतगुरु साहब जी ने उचारण किया है। वो दो पंगतियां वालियां उहदे विच पौड़ियां सन। इत्थे ते तुकी तीन तुकां वाली एक अष्टपदी उचारण करते हैं। अथवा जे गुरु क्या सिखा इस पावन गुरबाणी का जाप तू मन चित बिरती करके करना करें, तेरे अंदर सरवण मनण ते निध्यासन का गुण आ जाए, तू गुरबाणी नू सुने कन्ना नाल, इस हुक्मनामे नू सरवण कीता है सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो, इनू सरवण करके ते मन करके मनना कर, फिर निध्यासन कर, उहदे उत्ते चल, तेरी ते तुकी जिहड़ी त्रुकटी है वह खुल जाएगी, तू तुरिया अवस्था विच तेनू प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की दात तेनू सतगुरु साहब जी पासों मिल जाएगी। ये ते तुकी तिन्ना तुकां वाला शब्द इत्थे उचारण करदे हन जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मंगल करदे हन पहला एक ओ अद्वैत ब्रह्म, ओंकार जो उचारने मात्र ते रखिया करन वाला है, जिसने जिन्ने जिन्ने भी उसका जाप किया बिपता समय उस समय बाहरी तौर पर भी रखिया करता है। जे कि वकारा की लपेट में गुरु क्या सिखा आ जावें तां भी वह परमेशर वाहेगुरु नूं तू चेते करिया कर, वह कैसा है, जिस समय भी सिमरेगा वह तेरा रखवाला हो करके पहुँच जाता है। क्यों? उस सतगुरु साहब जी का सुभा है, वह भाई जोगा सिंह नूं वेसवा दे द्वारे ते नहीं जान दिंदा। गुरु क्या सिखा इस करके तेनू भी वह अकाल पुरख वाहेगुरु उचारने मात्र ते जो रख्या करन वाला है तेरी भी बौड़ी करेगा। सतगुर प्रसाद पूरे गुरां दी कृपा प्रसाद कृपा द्वारा वह प्राप्त हुंदा है जी। भगतां दी सदा तू रखदा हर जीओ, सिखां ने बेनती की सी गरीब नवाज आप जी ने बख्शिश की, बीरबल का अंत हो गया है महाराज। सतगुरु धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी अकाल पुरख वाहेगुरु नूं मुखातब हो करके अथवा निर्गुण स्वरूप हन आप अकाल पुरख वाहेगुरु दा,
सानू समझाउण वास्ते गुरु के सिखो ओ परमेश्वर वाहिगुरु अपने भगतां दी सदा तो रखदा आ रहा है, बख्शिश करदे हन भगतां की भगतां दी सदा तो रखदा हर जीओ। ये अकाल पुरख वाहिगुरु हे हरे, सारियां नू हरे भरे करन वाले परमेश्वर तू भगतां दी सदा ही रखदा आया है। तुर तू रखदा आया, तुरों ही तेरी ये मर्यादा स्थापित कीती हुई है। ये आप जी दे दर दी मर्यादा है, जदों तो आप जी ने ये संसार रचिया है, तुर तो ही जेडे आप जी दी प्रेमा भगती करन वाले हन उन्हां दी तुसी रखदे आ रहे हो लाज पत जी। प्रहलाद जन तुद राख लए हर जीओ। हुण प्रमाण दे करके समझाउंदे हन महाराज किवें तुसी रखिया करदे हो, कोई मसाल देवो, क्योंकि असी संसारी जीव हाँ, सानू पता नहीं लगना। तुसी इन्नी गल कह दवो कि मैं अपने प्यारे भगतां दी रखदा हाँ तो साडा मन शंके विच पै जाएगा। इन्नी गल नाल सानू समझ नहीं आउणी, कोई दलील दसो कि कदी तुसी रखी है। तां सतगुरु साहिब जी इत्थे केवल एक प्रमाण दे रहे हैं, किवें भाई प्रहलाद जन तुद राख लए हर जीओ। हे हरि अकाल पुरख वाहिगुरू, तू अपने प्यारे भगत प्रहलाद दी भी रखिया कीती है। आपां अपने बजुर्गां पासों पढ़दे ते सुणदे हाँ, भगत प्रहलाद जी नूं पिता ने अनेकां तसीहे दित्ते ने। हरनाक्ष पिता है, प्यो ही दुश्मन है, बाहरों कोई नहीं। बाहरलियां पासों बचाउणा ते हो सकदा सौखा होवे, क्योंकि पिता भरा इस तरीके दे नाल रिश्तेदार भाई मित्र नाल आण करके खलोंदे हन। पर जदों घर विच ही प्यो ही वैरी हो जावे ते ओह भी ऐसा बली जिन्नूं मतिहासक ग्रंथां मुताबक यह मन्निया गया है कि उन्हें यह वर लिया है कि ना दिन मरां ना रात मरां, ना अंदर मरां ना बाहर मरां, ना कोई शस्त्र ते ना कोई अस्त्र मैनूं मार सके, ना कोई मनुख ते ना ही कोई पशु मेरे ते हमलावर होवे। ऐसे वर लैण वाला जिहड़ा हरनाक्ष प्यो है, जिहड़ा संसार दे पासों ये जपाउंदा है जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष, वह हरनाक्ष प्यो ही भगत प्रहलाद का दुश्मन है। तो साडे बजुर्ग पढ़िया करते सन, कीड़ी ना बण दो रामा प्रहलाद डोल जाता। जे अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप जी कीड़ी का रूप ना धारण करते तो भगत प्रहलाद जी ने डोल जाना से। उस ही अवस्था इत्थे सतगुरु साहब जी ने बख्शिश की है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू अपने भगत की पैज रखण वास्ते भगत प्रहलाद जी की भी तुसी रखिया की है जी। हरनाक्ष मार पचाया, हरनाक्ष जेड़ा हमलावर हो करके उन्हां ते चढ़ के आया सी, जां उन्हां नूं मारन दा यतन कर रहा सी, जिसने मंदर नूं ऐ लोहे वर्गा लाल गर्म कर दिता। भगवान जी आप जी दे कौतक भगत प्रहलाद दा चित डोलन लगा ते तुसी अपने भगत दी पैज रखी कीड़ी बन करके उन्हां थंबलियां ते चले ते भगत प्रहलाद जी दे चित नूं भरोसा हो गया, प्रहलाद कादे लई झिझकदा है, जिहड़े परमेश्वर ने बल दी अग विच तेनू रखिया, जिन्हें तेनू जल विच डुबण नहीं दिता, वह परमेश्वर वेख जे कीड़ी इस थंबले ते तुर सकदी है फिर तेनू की है, तू भी भज के जफ्फी पा लै। फिर जे समय करोप हो करके पिता मारन लगा तो यह अकाल पुरख वाहिगुरू आप जी ने कोई बख्शिश की, नरसिंह रूप धारण करके उस हरनाक्ष का नाश किया। आप जी इस तरीके दे नाल अपने भगतां दी पैज रखदे हो जी। गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जीओ। पर इस गल दी प्रतीति यकीन किन्नू है, हुण मन च विचार आ जाएगी, क्योंकि आपां अनेक तरीके दे संकल्प ते विकल्प करदे हाँ। हुण
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਤ ਨਾ ਯਕੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਣ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗੋਪੀਨਾਥ, ਘੁੱਗੂਨਾਥ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਸਿੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮੇਟ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਨੇ ਸੰਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ ਝੇਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕਸੁੰਨ, ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਕਸੁੰਨ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਤੂੰ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਬੌੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਬੌੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਰੱਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਕਿਤੇ ਬੌੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੌੜੇ ਜੀ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੱਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕੇ ਮੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕੇ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
तुसी भगत नामदेव जी की जा करके छन बनते हो, ये आप जी की वड्याई है। गरीब नवाज, ये तुहाडी बख्शिश है। तुसी बाबा मरदाना जी नूं कहिंदे हो कि भाई मरदाना जी तुहाडे तो बिना साडा एक पल भी नहीं सरदा, एक पल भी। ऐसी आप जी की वड्याई है। तुसी बाबा बिधी चंद जी नूं भठ विच बैठिया नूं उन्हां दी रखिया करन वाले हो, ये आप जी की पैज रखण दा तरीका है। कृपालू सतगुरु साहब जी साडे ते भी कृपा करो। भगत तेरी सरनाई। इसे करके गरीब नवाज महाराज जेडे भगत हैं ना आप जी दे प्यारे, उन्होंने तुहाडी शरण ग्रहण की है। वो आप जी की शरण पकड़ करके बैठे हुए हैं। क्यों? तुसी उन्हां दी लज्जा जू रखते हो, उन्हां दी पैज रखते हो जी। रहाओ बसराम दे करके बख्शिश करते हैं। भगतानो जम जोहे ना साका। हुण मन ने विचार करनी सी कि भगतां नूं भी जमां दा डर है, ते महाराज कहिंदे नहीं भाई, भगतां नूं जम ताड़ नहीं सकदे, उन्हां दे नेड़ियों दी भी नहीं लग सकदे जी। काल ना नेड़े जाई। उन्हां दे नेड़े काल मौत भी नहीं जांदी, वो अपनी मौज विच हन। जदों चित करदा है संसार ते आण करके प्रेमा भगती करन दा, उदों शरीर धारण करके आ जांदे हन। जदों चित करदा है कि हुण फिर निर्गुण सरूप विच अभेद हो जाइए, उदों परमेश्वर वाहिगुरू दे प्यारे भगत महात्मा अपने शरीर नूं अलोप कर लेंदे हन जी। केवल राम नाम मन वसिया। महाराज ये शक्ति कित्थों आई सानू दसो जी। महाराज कहिंदे केवल ते केवल उन्हां दे हिरदे विच राम नाम, परमेश्वर वाहिगुरू राम, रमंती रामा जो रमिया होया परमेश्वर वाहिगुरू है, उदा नाम उन्हां दे हिरदे विच वसिया होया है जी। नामे ही मुक्त पाई। उन्हां ने इस नाम नाल जुड़ करके मुक्ति प्राप्त कर ली है, मुक्त हो गए हन ओह जी। जिवें भगत जी कहिंदे ने कहो कबीर जन भए खालसे, प्रेम भगत जिह जानी, ओह वकारां बंधनां तों खालस हो गए हन, मुक्त हो गए हन जी। रिद सिद्ध सब भगतां चरनी लागी। ते जिन्नियां रिधियां की हन जी, अन्न दी अतोटता ए, सिद्धी बचन सिद्धी हो जानी, गुप्त प्रगट होण दियां शक्तियां आ जाणियां, ये सारियां भाई रिद सिद्ध सब भगतां चरनी लागी, ये सारियां दियां सारियां भगतां दे चरनी लागियां हन। किन्नियां जी? नौ निधियां ते अठारह सिद्धियां दी गिणती आउंदी हन। ते आपां गुरबाणी जिहड़े सोदर साहब जी दी बाणी दा हर रोज़ जाप करदे हन, उन्हां ने पढ़िया है कि भाई परमेश्वर वाहिगुरू ने सारियां दियां सारियां जां नानक वाहिगुरू ठाकुर कर तल धरिया। परमेश्वर वाहिगुरू ने अपने प्यारियां दे कर हाथ दी तल तली उत्ते सारियां ही नौ निधियां ते अठारह सिद्धियां उन्हां दी हाथ दी तली उत्ते रखियां होईयां हन। ये परमेश्वर वाहिगुरू की बख्शिश है अपने प्यारियां ते। नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरहे, जो हर हिरदे सदा वसाए। वो परमेश्वर वाहिगुरू आप दयालता करके ये नौ निधियां ते अठारह सिद्धियां जिहड़ियां हन उन्हां परमेश्वर वाहिगुरू के प्यारियां दे चरणां विच आण करके बैठ गईयां ने कि किते कृपा करो, साडे पासों भी सेवा लैणा करो जी। गुर कै सहज सुभाई। कहिंदे गुरु साहिब जी दे कृपा सदका सहज सुभाए सुते सिद्धी ये बख्शिश होई है जी। जां ओह गुरु साहिब जी दी कृपालता सदका सहज अवस्था नूं प्राप्त हो गए हन। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवी। सो महाराज अगे बख्शिश करदे हन, महाराज मन मुखां नूं प्रतीति क्यों नहीं? कहिंदे भाई उन्हां नूं प्रतीति यकीन नहीं हो सकदा। क्यों जी? अंतर लोभ सुभाव। उन्हां दे अंदर लोभ दा सुभाव बनिया होया, लोभ दा, ते जिहड़ा लोभी पुरख है उहनूं यकीन नहीं आउंदा किसी ते। लोभी पुरख किसी ते यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि उहदे हिरदे अंदर लोभ दा जतन है। वह अपने लोभ विच फसिया होया चलाकियां ते बहुत करेगा,
पर उन्हूं अंदरों प्रतीति किसी अपने सज्जन भाई मित्र ते भी नहीं है, फिर भाई परमेश्वर वाहिगुरु की शक्ति ते वह यकीन किवें करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि उहदे अंदर लोभ का सुभाव सुभा है जी। गुरमुख हिरदा शब्द ना भेदियो, उन्हां भाई गुरमुखां दी तरह अपने हिरदे नूं शब्द द्वारा भेदियो विन्या नहीं है। मनमुखां दा सुभा की है? उन्होंने गुरमुखां दी संगत करके अपने हिरदे नूं शब्द द्वारा भेदियो विन्या नहीं है। जिवें गुरमुखां दा हिरदा सी ना, उस तरीके दा हिरदा उन्हां दा होया नहीं। जे किते उन्होंने गुरमुखां दी संगत कीती हुंदी, पूरे गुरु दी प्राप्ति हो जांदी, तां उन्हां नूं पता लग जांदा कि सतगुर सूरमे बाहया बाण जो एक लागत ही भोए मिल गया, परा करेजै शेक। पर कदों ये अवस्था बनी? जदों गुरमुखां दी संगत विच जा करके ये हिरदे नूं प्रेम रूपी अन्याले तीरां नाल विनना कीता, ये हिरदा तां बख्शिश हुंदी है। जिन्हां नहीं विनिया जी, वह हन मनमुख, उन्हां नूं ये परमेश्वर वाहिगुरु की बख्शिश प्राप्त नहीं होई जी। हर नाम ना लागा पाओ, उन्हां दा हरी परमेश्वर वाहिगुरु दे पावन नाम नाल पाओ प्रेम नहीं लगा अजे। कूड कपट पाज लह जासी, गरीब नवाज महाराज बख्शिश करदे हन, जिहड़ा ओ कूड ते कपट झूठ ते वल छल दा पाज बनाई फिर देना अपने चफेरे, एक दिन ये सारा ही लै जाएगा। जड़ा पर्दा पाया होया है, हन कपटी हन झूठे, जे बाहरों लिबास भावें जिहो जिहा मर्जी बनाई फिरदे ने, ये भाई एक दिन लथ जाएगा, नहीं रहेगा जी। मनमुख फीका अलाओ, उन्हां मनमुखां दा बोलिया फिका है, किसी अर्थ नहीं है जी। भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, इत्थे दोवां पक्खां नूं सतगुरु साहिब सानूं खोल करके समझा रहे ने। गुरमुखां दी अवस्था भी दस रहे हन भाई। गुरमुखां दे आ गुण ने जिहड़े परमेश्वर दा नाम जपदे ने, जिन्हां परमेश्वर दा नाम जपिया उह प्रेमा भगती नूं प्राप्त हो करके सतगुरु साहिब जी दी बख्शिश दे पात्र बणे हन। जिहड़े मनमुख हन, जिन्हां नूं प्रतीति नहीं, जिन्हां नूं यकीन नहीं, जिन्हां नूं यकीन है उन्हां पिंगलियां नूं भी अकाल पुरख वाहिगुरु दयालता करके पर्वत ते चढ़ा दिंदा है। केवल क्या नहीं, सतगुरु साहिब कहिंदे पिंगल पर्वत पार परे, खल चतरब कीता अंधले त्रे भवन सूझिया, गुर भेट पनीता महिमा साधु संग की, सुनियो मेरे मीता मैल खोई पाप कोट अग हरे निर्मल भए चीता। भाई जिहड़े पिंगले हन, जिहड़े हत्थां ते पैरां तों तुर नहीं सकदे, चल नहीं सकदे, कुछ कर नहीं सकदे, उह भी पर्वतां ते चढ़ जांदे ने, पर्वतां ते। फिर अगे अंधले त्रे भवन सूझिया, वाहिगुरू खल चतरब कीता, खल मूर्ख प्राणियां नूं चतर कर देंदे ने परमेश्वर वाहिगुरू दे प्यारे गुरु साहिब जी दी संगत। खल चतरब कीता अंधले त्रे भवन सूझिया, जिहड़े अखां करके सूरमे सन उन्हां नूं तिन्ना ही भवनां दी सोझी हा आ गई, पर कदों? गुर भेट पनीता, जदों पूरे गुरु साहिब जी नूं भेट करके पूज करके पनीत हो गए हन, जिहनूं आपां पढ़दे हां पवित्र 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 पनीत, उह पनीत हो गए कदों? जदों पूरे सतगुरु साहिब जी नूं भेटिया पूजिया। पर इह कदों? जदों साधुआं दी संगत प्राप्त होई, जदों महात्मा दी संगत विच गए, जिन्हां ने संगत ते शंके ही उठाई गए, शंके ही उठाई गए, उन्हां ते ये बख्शिश नालों नाल सतगुरु साहिब दसी जांदे नहीं हो सकदे जी। इत्थे हुण अगे बख्शिश करदे ने, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, ये अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे भगतां विच तू आप वरत रहा है। भगती हो तू जाता, भगतां ने तेनूं भगती करके जाता जाणिया। महाराज किवें वरते जी तुसीं, सानू समझ नहीं आई जी, दसो। कहिंदे गुरु के सिखो उन्हां भगती कीती, भगती द्वारा उन्होंने वह परमेश्वर वाहिगुरु नूं जाता जाणिया है जी। माया मोह सब लोक है तेरी, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, ये जिन्हें भी माया का मोह सारे लोगों तेरी आग्या सदका व्यापक होया है जी। तू
एको पुरख विधाता, तू एको ही अकाल पुरख वाहेगुरु पुरख विधाता, सारिआं दी प्रतिपालना करन वाला है, सारिआं नू विधाता पालन वाला है जी। हमै मार मनसा मन है समाणी, जिहड़े परमेशर दे प्यारे हन उन्होंने हौमे जिहड़ी सी उहनू मार मेट करके जिहड़ियां मनसा हन आसा उन्हां नू मन दे विच ही समा लिया है, मन दे विच ही ਉਹ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਣੇ ਸਮਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਸਾ ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਤਾ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਣੇ ਸਮਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਚਿੰਤ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਜੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਚਿੰਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਪੇਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਣਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਤੇ ਮੀਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਥਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਵਿਗੁੱਚਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਵਗੁੱਚੇ ਲੁੱਟੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਲਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮੋਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੋਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇਹ ਮੋਨੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਐਵੇਂ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ,
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਦਿਆ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀ ਦਾ ਮੋਣ ਵਿਖਾਲ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਿਖਾ ਲਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾ ਆ ਮੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਬਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਮੋਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਗਏ, ਘਰ ਵੇਸਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਈ ਮਿੱਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਨੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਨੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਮੋਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਨੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ, ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖਿੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਮੋਨੀ ਦਾ ਮੋਣ ਇਵੇਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬੱਗ ਬੱਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਰੀ ਲਾਵਾਂ, ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹੰਸਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ, ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਹੈ ਚੋਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੰਸ ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੰਸ ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਵਗੁੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਗੁੱਚੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓੜਕ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇਹ ਨਿੰਦੇ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਣ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ। ਮਨਮੁਖ ਭੌਂਕ ਮੋਏ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਭਾਵ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਟੂਣੇ ਟਮਾਣੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਦੀ ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਲਏ, ਕਦੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਏ, ਐਵੇਂ ਭੌਂਦੇ ਹੀ
वरलाप करदे ओड़क मर गए हन जी। आवह जावह ठौर ना पावह, आउंदे ते जांदे रहिंदे ने ठौर टिकाणा नहीं मिलदा जी, कदी वास्ते भी उन्हां दा टका नहीं बनिया जी। दुख मह दुख समाई, दुख दे विच ही रहिंदे हन ते ओड़क दुख च ही समा जांदे। हुण बाहरों आपां नूं वेखण लई नहीं जी आ गल पूरी माफक नहीं बैठी, असी वेख्या है फलाना सोने अमृत छकिया भी नहीं पर बड़ा सुखी। गरीब नवाज महाराज कहिंदे बाहरले सुख ना वेख, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस थोड़ी सो फिरहे परमंता, दोहु बवस्था तेजो मुगता, सोई सुहेला भालिए। जेदे कोल बहुती है सजना सुखी वह भी नहीं, जेदे कोल थोड़ी है सुखी वह भी नहीं। सुखी कौन ने? परमेश्वर दे प्यारे जिन्हां ने आसरा नाम बनाया है, उन्होंने जान लिया है कि सदा अंग संगे अपंग अंग बिपूते, वो जानते हैं वो अविनाशी सदा सदा ना आवे ना जाए। जिन्हां यह अवस्था है वो ते भाई सुखी हैं, दूसरे सारे दुख विच ही लीन हुए हैं जे। गुरमुख हुआ सो अमृत पीवा, इन्हां तो उल्ट जिहड़े गुरमुख हैं वो पाई अमृत रूपी नाम नूं पींदे हैं। अमृत जो सतगुरु साहब जी ने बख्शिश की है कि पीवह पाहुल खंडे धार होए जन्म सुहेला, जो गरीब नूं आज कलगीधर प्रीतम ने सरबंसल टा के आख्या है रह नहीं रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हाँ करो नवास। ओ भाई ऐसे अमृत नू पींदे ने केड़ा, अमृत पिया सतगुर दिया, अवर ना जाना दुआ तिया। उन्होंने प्राप्त किया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया उन्होंने नाम रूपी अमृत। प्रतख अमृत पंजा प्यारियां पासों जा करके छकिया, जिन्हां दे भाग खुलदे ने ओ भाई बुधवार ते ऐतवार दे दिहाड़े आण करके श्री अकाल तख्त साहिब तों जिथे जिथे जां फिर अमृत संचार अमृत दा बाटा तैयार हुंदा उत्थों छक करके कलगीधर सतगुरु साहिब जी दे घर जम पैंदे ने। फिर खालसा पंज प्यारियां दे सरूप विच सिंह कहिंदे ने भाई सतगुर के जन्मे गवन मटाया, अज तो तुसी गुरु वल जम पे जे, ताड़ा आवागमन नाश हो गया है जी। सहजे साच समाई, सहजे सुते ही सच विच समा जांदे हन जी। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ा, भाई बिना सतगुरु साहब जी नू सेवन तो जन्म मरन छुटदा नहीं है जी। जे अनेक कर्म करे अधकाई, जे अनेका भी कर्म करदा रवे जिन्ने मर्जी होर साधन कर लै, परमेश्वर वाहिगुरु की प्रेमा भगती तो बिना जिन्ना मर्जी योगा करी जा, जे प्रेमा भगती नहीं ना ते जम्मण मरन छुटना नहीं तेरा, जिन्ने मर्जी होर जल धारे कर लै इस तरीके दे नाल। वेद पढ़ है ते वाद वखाना है, होर समझाउंदे ने कहिंदे कोई वेद पढ़ के ते वाद झगड़े करे, उन्हां दी वेदां नूं पढ़ करके ते भाई जा करके होरां नाल चर्चा करन वाला हो जावे कि मैं चर्चालू हो करके आया, मेरे नाल चर्चा करो मैनूं बड़ा ज्ञान है जी। बिन हर पत गवाई, जे कहिंदे नाम नहीं जपिया ते ओदी पत इज्जत गवाच ही जावेगी ऐसे वेद पढ़न वाले दी वी जी। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, कहिंदे सच्चे हन सतगुरु साहब जी, सच्ची है उन्हां दी बाणी जी। पज छूटा है गुर सरनाई, इस करके गुरु का सिखा भज करके सतगुरु साहब जी की शरण ग्रहण कर फिर छुट जावेगा वकारा तो, अथवा जिन्ना भज करके जिन्ना ने सारे ही संसार दे जेडे वकार सन उन्हां नूं ला करके गुरु की शरण पकड़ करके क्या महाराज सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार, ओ फिर छुट गए जी। जिन हर मन वसिया से दर साचे, जिन्हां दे मन विच हरी अकाल पुरख वाहिगुरु वस गया है ओ पाई ओ परमेश्वर वाहिगुरु दे दर ते सच्चे हो जांदे हन, दर संगत विच भी सच्चे हन।
दर साचा सचारा ओ संगत रूपी दर विच भी सचे ओ लोक इस लोक विच भी सचे ते दर साचे सचारा ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दे दर सचखंड घर विच भी सचार हो करके पहुंच जांदे हन जे उन्हां दी सोभा जुग जुग होई उन्हां दी सोभा जदों तों जुग रचे हन ऐसे परमेश्वर वाहिगुरु दे प्यारियां दी सोभा हो रही है जी कोई ना मेटण हारा कोई उन्हां दी सोभा नूं मेट नहीं सकदा भावें जिन्ने मर्जी जतन कर लवे एवें नहीं जी एवें उन्हां दी सोभा कोई मेट नहीं सकदा जी नानक तिनका सद बलहारा श्री बनवाज महाराज कहिंदे असी उन्हां परमेश्वर वाहिगुरु दे प्यारियां तों वारने बलहारने जांदे हां जिन हर राखिया उर तार हरी अकाल पुरख वाहिगुरु नूं अपने उर हिरदे विच धारा धारण करके रखिया है असी उन्हां तों वारने बलहारने जांदे हां ऐसी बख्शिश सतगुरु साहब जी ने साढ़े ते कीती है गुरु कै सिखा गुरमुखताई नूं धारण कर नाम बाणी दा प्रेमी हो कृपालू सतगुरु साहब तेरे ते कृपा करनगे सतगुरु साहब जी दी पावन पवित्र गुरबाणी दी कथा करदिआं पावन अस्थान दी हाजरी भरदिआं होईआं गलतियां भुल्लां दी खिमा धनवाद है प्रबंधकां दा सिंह साहब जी दा जिन्हां आप सिख संगतां दे दर्शन दीदार करन दा सुभाग बख्शिआ है जी कृपा करनी रहमत करनी जी जिन हर मन वसिया से दर साचे दर साचा सचारा उन्ना दी सोभा जुग जुग होई कोई न मिटन हारा नानक तिनका सद बलहारा जिन हर राखिया उर तारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।